दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। किसान कर्फ्यू के साथ होगी सोमवार की शुरुआत, माकपा कार्यालय में तैयारियों की समीक्षा। आंदोलन का रुख तय करेगा रणनीति, बोले पूर्व विधायक हेतराम बेनीवाल। 5 वर्षीय बालक को कृत्रिम अंग प्रत्यारोपित, जोधपुर डिस्कॉम के एक्सीडेंट हंसराज शर्मा भी हुए अभिभूत। वकील और परिजन की हालत स्थिर, एसपी से मिला स्वर्णकार समाज। सोमवार को अगर ज्यादा ही जरूरी हो तो घर से निकले, क्योंकि किसान कर्फ्यू के कारण आपको असुविधा हो सकती है। किसानों ने कर्ज माफी को लेकर प्रदेश में कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया है। इसकी तैयारियों से संबंधित खबरों पर हमारा खास फोकस रहेगा। वहीं वकील वर्सेस सोनी परिवार के मामले में टकराव की स्थिति बनती जा रही है। बादशाह ने सोमवार तक सभी आरोपितों को पकड़ने का अल्टीमेटम दे रखा है, तो दूसरी तरफ स्वर्णकार समाज ने पुलिस पर वकीलों के दबाव में काम करने का आरोप मढ़ दिया। इससे संबंधित खबरों के अलावा आपको दिखाएंगे कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण केंद्र, स्किल इंडिया, युवक परिषद के सम्मान समारोह सहित कुछ अन्य खबरें। बने रहिए स्काई चैनल के साथ। सबसे बड़ी और आपके लिए जरूरी खबर कि कर्ज माफी की मांग को लेकर विभिन्न संगठनों की ओर से सोमवार को किसान कर्फ्यू का आह्वान किया गया है। माकपा से संबंधित किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने रविवार को मीटिंग कर तैयारियों की समीक्षा की। माकपा कार्यालय में हुई प्रतिनिधियों की मीटिंग, इसमें पूर्व विधायक हेतराम बेनीवाल, माकपा जिला सचिव रघुवीर वर्मा और बहादुर सिंह चौहान आदि ने भाग लिया। वक्ताओं ने कहा कि किसानों की स्थिति विकराल होती जा रही है, लेकिन सरकार सुनने और समझने के लिए तैयार नहीं। सबसे बड़ी समस्या है कर्ज माफी को लेकर, लेकिन सरकार इसकी भी अनदेखी कर रही है। ऐसे में किसानों के सामने आंदोलन के अलावा कोई चारा नहीं बचा है। हम तमाम इलाके में घूमे हैं, हनुमानगढ़ तहसील में, पूरे ज़िले में हम घूमे, किसानों से बात की है और बड़ी अच्छी तैयारी के साथ कल 8 बजे से लेकर 12 बजे तक चक्का जाम रहेगा, जिसमें शेरगढ़ पॉइंट है हमारा एक मेन, दूसरा धोड़ीपाल के किसान और तमाम दूसरे लोग वो भी चक्का जाम करेंगे। मक्का सर के तमाम लोग, किसान इलाके के किसान मक्का सर में जाम करेंगे, और भी कई जगह, चाहे वो मसरू वाला है, चाहे वो पक्का साड़ना है, वहाँ भी किसान जाम करेंगे। पूरे राजस्थान में किसानों के द्वारा कर्फ्यू का एक ये है सिस्टम, और इसमें अभी तमाम जो वामपंथी लोग हैं, विचारधारा को मानने वाले, ट्रेड यूनियन है, CITU है, वो तमाम जो लोग उसमें काम करते हैं, उनके तमाम वर्कर, तमाम उनके मेम्बर, वो भी इस किसान की इन तमाम समस्याओं के समाधान के लिए उनका समर्थन करेंगे। अभी तय हुआ है वो लोग भी इसमें शामिल। रिपोर्ट को लागू करने का सवाल है, आवारा पशुओं के कारण फसल बर्बादी और मानव की जो हो रही है, नुकसान हो रहा है, उसको लेकर ये पूरे राजस्थान का कल जन किसान कर्फ्यू है। इसके दौरान सभी जगह प्रयास किए जा रहे हैं कि सभी जगह इसका लागू हो। चक्का जाम का जो सवाल है कि हम इसके अंदर सब्जियों को, आपके दूध को, जींस को बाज़ार में नहीं आने देंगे, इसलिए हनुमानगढ़ के चारों तरफ जो सड़कें हैं उन सड़कों को हमने जाम करने का, उनको रोकने का फैसला किया है। और इस तैयारी के रूप में अगर पूरे ज़िले की देखें तो करीब 190 के करीब गाँव में हम गए हैं जहाँ सभा की और किसानों ने व्यापक रूप से समर्थन किया है। भादरा के लगभग सारे जो गांव हैं उनमें चक्का जाम रहेगा, जनता कर्फ्यू रहेगा। नोर में इधर संगरिया के अंदर जो है ये सारा जो क्षेत्र है टीबी का जो क्षेत्र है, पीलीबंगा में हमारे साथी लगे हुए हैं, हनुमानगढ़ में हम सारे साथी लगे हुए हैं। तो इससे ये है कि इस बार व्यापक पैमाने पर किसानों का गुस्सा है और वो सड़कों पर उतरेंगे, इसलिए तैयारी पूरी है आज उन्हें पॉइंटों को चौक आउट करने के लिए और उनकी तैयारियों की समीक्षा, कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हैं वहाँ का, जो धरना स्थल पर पानी की व्यवस्था करनी है, चाय की व्यवस्था करनी है, चक्का जाम में आने वाले लोगों को परेशानी ना हो। इन तीन जिलों में सारे नाके बंद रहेंगे, सारी सड़कें बंद रहेगी, कहीं भी मूवमेंट नहीं होगा, और उसके साथ साथ कृषि की वस्तुएँ हैं, सब्जी फल और अनाज वो बिकेगा नहीं, और ना गंगानगर और शहरों में जाएगा। ये हमारा प्रोग्राम है। ये जो कर्फ्यू है ये इस तरह का है कि हम कोई एक्टिविटी सरकार की नहीं होने देंगे, हम एक्टिविटी नहीं करेंगे। ये 4 दिन
चार घंटे का जो प्रोग्राम है ये सरकार को चेतावनी देने के लिए है, और राजस्थान के 1500 डिस्ट्रिक्ट में ये बहुत ज़बरदस्त होगा। हमसे भी ज़्यादा सीकर में, नागौर में, झुंझुनू में, चूरू में, ये सब डिस्ट्रिक्ट होगा। ये पूर्व विधायक हेतराम मेलीवाल ने कहा कि सोमवार के आंदोलन की सफलता से ही आगे की रणनीति तय हो पाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार अगर चाहे तो टकराव की स्थिति को टाली जा सकती है, लेकिन यह निर्णय खुद सरकार को करना होगा। कामयाब होता है, लोग सड़कों पर आते हैं हजारों, तो फिर हम रेलवे है, सरकार की और व्यवस्था है, सरकार के दफ्तर है, उसको बंद करने का लगातार उसको एक दिन दो दिन बंद रहे ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे, इसको तेज करेंगे और धीरे धीरे इसको सारे राजस्थान में फैलाएंगे, जिन डिस्ट्रिक्ट में नहीं है उनमें फैलाएंगे, और राजस्थान की सरकार को मजबूर करेंगे कि वो इसका जो लोगों पर कर्जा है उसको बैंकों में, प्राइवेट बैंकों में और कोऑपरेटिव में इसमें सर्विस्ट समाप्त करें। उधर संगरिया और नोहर भादरा क्षेत्र में किसान कर्फ्यू के व्यापक असर की संभावना है। किसान नेता ओम जांगू ने विभिन्न गांवों में किसानों से संपर्क किया। उन्होंने कहा कि किसानों के जत्थे सड़कों पर उतरने के लिए बेताब हैं। किसान कर्जा मुक्ति आंदोलन के आह्वान पर कल 17 जुलाई को गांव-गांव में कर्जा मुक्ति और फसलों के लाभकारी मूल्य की मांग पर चक्का जाम होगा। इस चक्का जाम को जहां तमाम किसान संगठनों ने समर्थन किया है, वहीं गांव-गांव में किसानों के जत्थे कल की तारीख में सड़कों पर आएंगे और रास्ते जाम करके केंद्र और राज्य सरकार पर इस बात के लिए दबाव बनाएंगे कि सरकार किसानों की कर्जा मुक्ति और फसलों के लाभकारी मूल्य की बात को सुने। हनुमानगढ़ जंक्शन स्थित कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण एवं अनुसंधान केंद्र में रविवार को अनोखा बालक आया जिसके दोनों पैर कमजोर थे, वह चल नहीं पा रहा था। डॉक्टरों के परामर्श पर वह हनुमानगढ़ आया और उसे सफलतापूर्वक कृत्रिम पैर प्रत्यारोपित किए गए। हनुमानगढ़ जंक्शन स्थित दीप कॉलोनी के निःशुल्क कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण एवं अनुसंधान केंद्र में भादरा से आई अनोखे बच्चे को देख अचंभा हो रहा था कि आखिर कुदरत का कैसा न्याय है। 5 वर्षीय बालक रमजान चलने में असमर्थ था। डॉक्टरों ने उसे कृत्रिम अंग के सहारे चलाने का सुझाव दिया। जयपुर जाना महंगा काम था, ऐसे में किसी ने राहुल गुप्ता मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट के बारे में बताया और परिजन उसे लेकर यहां पर आए। रविवार को सफलतापूर्वक उसे कृत्रिम अंग लगाया गया। जोधपुर डिस्कॉम के एक्सियन हंसराज शर्मा ने इसे चमत्कार बताया। अध्यक्ष रमन झूथरा ने कहा कि इस तरह के केस कम ही आते हैं। बपादरा से 5 साल के रिजवान खान के दोनों पैर लगे। अब ये चीज़ें पिछले 4-5 सालों में ये आ रही है देखने की, जो सीपी बच्चे हैं उनकी संख्या अपने ज़िले के साथ साथ आसपास भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है, बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। उसके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि माएँ जो है वो बैलेंस डाइट लें, उचित आहार लें, उससे जो बच्चों का स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा, वो भी ठीक ठाक रहता है। के लिए सराहनीय कार्य है और मानवता की सेवा के लिए इससे बढ़िया और कार्य नहीं हो सकता। उन्होंने करीब 3 हज़ार के करीब कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण जो बताए हैं बहुत ही अच्छा, विभिन्न अपने भारत में करीब करीब इन्होंने 15 स्टेटों के अंदर काम किए है, बहुत ही अच्छा इनका सराहनीय काम है। विशेषकर जम्मू कश्मीर की जो स्थिति है वहाँ पर अपने जवानों में काफ़ी एक्सीडेंट इस तरह के होते हैं जिससे अंगों में विकृतियाँ आ जाती है, उसके लिए इनका बहुत ही बड़ा इन्होंने जो बताया योगदान है। और ये मान्यता के लिए मैं ये कहता हूँ कि बहुत ही सराहनीय है और अच्छा है। समाचार अभी और भी हैं, देखते रहिए दिन भर की खबरें। बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज, अ ब्रांड फॉर क्वालिटी एजुकेशन। स्टूडेंट्स के करियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे BSc, BCom, BCA, BA, MSc केमिस्ट्री, फिजिक्स, बॉटनी, जूलॉजी, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, MCom, ABST, MA ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, पंजाबी। महाविद्यालय स्टाफ की कड़ी मेहनत से गत 6 वर्षों के परीक्षा परिणाम में 145 विद्यार्थियों ने महाराजा गंगा सिंह
विश्वविद्यालय की वरीयता सूची में स्थान प्राप्त एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। महाविद्यालय कॉर्पोरेट वर्ल्ड को ध्यान में रखते हुए समय समय पर विद्यार्थियों के लिए करियर गाइडेंस सेमिनार आयोजित करवाता है। महाविद्यालय में सभी प्रायोगिक विषयों की सुसज्जित लेबोरेटरीज, प्लेग्राउंड तथा ट्रांसपोर्ट आदि की सुविधाएं उपलब्ध हैं। हाउसिंगपुर कॉलोनी में वकील और सोनी परिवार के बीच मारपीट के मामले को लेकर स्वर्णकार समाज समिति का प्रतिनिधि मंडल एसपी सेमिनार उन्हें ज्ञापन दिया। अध्यक्ष बबलू सोनी सहित अन्य प्रतिनिधियों ने कहा कि पुलिस वकीलों के प्रेशर में है, इसलिए न्याय की उम्मीद कम नजर आ रही है। वहीं साहित्यकार हरिमोहन सारस्वत ने कहा कि पूरे मामले में पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है। अधिवक्ता अरविंद मुखर्जी, उनके पिता और भाई की सेहत में निरंतर सुधार है। वे श्री गंगानगर के एक निजी हॉस्पिटल में उपचाराधीन हैं। वकीलों ने मुखर्जी परिवार पर हमला करने वालों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस को सोमवार तक का समय दिया है। इसके तहत पुलिस ने कुछ आरोपितों को राउंडअप भी कर रखा है, लेकिन स्वर्णकार समाज समिति का आरोप है कि पुलिस ने वकीलों के दबाव में निर्दोष लोगों को पकड़ा है। खास बात है कि स्वर्णकार समाज समिति के प्रतिनिधि मंडल में कुछ प्रबुद्ध लोग भी थे, खासकर राजस्थानी साहित्यकार हरिमोहन सारस्वत ने कहा कि पुलिस वकीलों के दबाव में है। सोनी परिवार की तरफ एक तरफा कार्रवाई किए जाने से पूरे स्वर्णकार समाज में रोष है। वास्तविकता यह है कि वकील सोनी परिवार के घर में हमला करने की नीयत से घुसे थे और उन्होंने वहाँ बदसलूकी की, आत्मरक्षार्थ दोनों पक्षों के बीच में बीच बचाव हेतु मारपीट हुई, लेकिन पुलिस ने पूरी तरह से इस मामले को एक तरफा रंग दे दिया। यह पूरी साजिश वकीलों के दबाव में की गई है, जिसे स्वर्णकार समाज कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। आप खुद सोचिए, कोई व्यक्ति आपके घर में घुसकर हमला करता है तो आप क्या करेंगे? लेकिन पुलिस ने पूरा घटनाक्रम ही बदल दिया। जो घटनाक्रम एक घर में घुसता है, सोनी परिवार के घर में यह घटना घटती है, उसे पुलिस वकील के घर में घुसने की बात कर रही है, सड़क के ऊपर घटनाक्रम को लेकर आती है। अगर पुलिस इस मामले में निष्पक्ष जाँच नहीं करती है तो पूरा स्वर्णकार समाज जो है वो इस मामले को आंदोलन करेगा और उसके लिए पूरी तरह से पुलिस और प्रशासन जिम्मेदार होगा। सारस्वत ने कहा कि पुलिस ने सोनी परिवार के उन तीन सदस्यों को राउंडअप किया है जिनका इस मामले से कोई वास्ता नहीं। वे चाहते हैं कि पुलिस न्यायोचित कार्रवाई करे, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो तो किसी को दिक्कत नहीं। उन्होंने स्वीकार किया कि महीने भर पहले हुए विवाद का इस शर्त पर पटाक्षेप हुआ था कि आगे से इस मामले पर कोई चर्चा नहीं करेगा, लेकिन वकील ने समझौते का उल्लंघन किया और सोनी परिवार पर हमला करने लगे, जबकि पुलिस वकील के परिवार पर हमला बता रही है। इस मामले में पुरानी रंजिश को लेकर महीने भर पहले पंचायत हो चुकी थी, जिसमें शहर के प्रतिष्ठित लोग भी शामिल थे और यह तय किया गया था कि आज के बाद इस मामले को दोबारा नहीं उठाएंगे, लेकिन एडवोकेट अरविंद मुखर्जी परिवार जो है उन्होंने दोबारा इस मामले को घर में घुसकर हमला करने की नीयत से सारे लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने वहां मारपीट शुरू की। वकील वर्सेस सोनी परिवार के बीच भाजपा के श्री गंगानगर जिला प्रवक्ता राजकुमार सोनी का बेहद विवादित बयान आया है। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि जब कोई किसी के घर पीटने जाएगा तो फिर उसे प्रसाद नहीं मिलेगा क्या? दरअसल ये वकीलों पर हुए हमले को लेकर टिप्पणी कर रहे थे। आइए सुनते हैं भाजपा नेता राजकुमार सोनी का वह बयान। निर्दोष के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो, उस वकील ने, अरविंद मुखर्जी ने, उसके भाई विपिन ने, उसके फादर जयलाल ने और 15-20 अन्य लोगों ने मेरे साड़ों के घर पर हमला किया है, फायर किया है, मेरे साड़े के सिर में इंजरी है, उसको उसकी हालत ख़राब है, उसको बीकानेर रेफर कर दिया गया है, एक मेरे साड़े के बेटे का हाथ तोड़ दिया गया है, महिलाओं से उन्होंने अभद्रता करी है, घर आकर झगड़ा किया, वकील मैनिपुलेशन कर रहा है वो, और सारे वकीलों को गुमराह कर रहा है, झूठ बोल रहा है, असली बात पर अपनी गलती पर पर्दा डाल रहा है और हकीकत बता रहा है। वो घर में क्या लेने आया था? घर में किसी को कोई पीटने आएगा तो उसको प्रसाद नहीं मिलेगा क्या? अगर घर पर आगे कोई हमला करता है और गैर उसको कानूनी अधिकार था, उसको कोई शिकायत थी तो पुलिस में जाता, FIR करवाता, मुकदमा दर्ज करवाता, इस्तगासा करवाता, वकीलों के बार रूम में ये बात रखता, लेकिन वो सीधा घर आ गया और उतना मैनिपुलेशन कर रहा है कि मेरे घर आए, तो वकील की एक उसकी एक रग फालतू है। हनुमानगढ़ जंक्शन में जिला स्तरीय प्रधानमंत्री कौशल केंद्र खुल गया है। खास बात है कि इसमें साल भर के दौरान 1800 युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इनमें 5 अलग अलग तरह के कोर्सेज होंगे। नगर परिषद के सभापति राजकुमार हिसारिया ने केंद्र का उद्घाटन किया। हनुमानगढ़ जंक्शन में ओवरब्रिज के पास प्रधानमंत्री कौशल केंद्र का उद्घाटन किया गया। सभापति राजकुमार हिसारिया, उपसभापति नगीना बाई,
पार्षद गुरदीप सिंह बब्बी और रोहता शर्मा आदि ने बतौर अतिथि भाग लिया। केंद्र प्रभारी कैलाश शर्मा के मुताबिक इसमें 5 तरह के कोर्सेज निर्धारित हैं। ये इस जिले में एक ही इस तरह का जो है कौशल केंद्र बनाया जाएगा। ये केंद्र है तो इस पे इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये जिले में एक ही बनेगा, एक जिले में एक ही बनाया जाएगा और हनुमानगढ़ जिले में हमारे शहर को ये मिला है, बनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसके अंदर हम कुछ 5 तरीके के अलग अलग कोर्स करवाएंगे जिनसे बच्चों को रोज़गार मिले, आजीविका मिले और ये जो कोर्सेज हैं हमारे निःशुल्क होंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा उनके लिए नहीं देना है, इवन कोई फीस नहीं है उनका। बच्चों को जो पढ़ने की सामग्री है वो भी प्रधानमंत्री जी के कौशल विकास योजना के तहत हमारे सेंटर से ही दी जाएगी और जब बच्चे यहाँ से पढ़ के पास आउट होंगे तो उनको रोज़गार के अवसर भी मिलेंगे, हम उनको रोज़गार भी देंगे, यहाँ पे कंपनीज आएंगी जो उनको सेलेक्ट करेंगी। तो इस तरीके की यह स्कीम है, एक साल में हमको 1800 बच्चों को पढ़ा के रोज़गार देने का अवसर प्राप्त हुआ है। बताया गया कि सरकार 1999 से युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस तरह की योजनाओं का संचालन कर रही है। मौजूदा सरकार ने इसमें बदलाव कर इसे और उपयोगी बनाने की कोशिश की है। एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि संपूर्ण भारत में काम कर रही है। इन्होंने अभी लगभग 20 से 22 दिनों में बहुत बड़ा काम किया है। इस समय हिंदुस्तान में गवर्नमेंट के स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम को जिस तरह ICA ने टेकअप किया है, मुझे कहते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि इस तरह की दूसरी कोई ऑर्गेनाइजेशन हिंदुस्तान में नहीं। मैं इसे लेके 10वीं तक का बच्चा कर सकता है, 5वीं का जो बच्चा है वो सिर्फ सिलाई का कोर्स कर सकता है, बाकी जो कोर्सेज हैं उनके लिए कम से कम 10वीं का जो है उनको क्वालिफिकेशन जो है वो ज़रूरी है। 18 से 35 वर्ष तक के लोग ही कर सकते हैं, 18 वर्ष से कम के बच्चे या 35 वर्ष से ज़्यादा के जो लोग हैं युवक युवतियाँ वो ही कर सकते हैं। 18 से 35 इसका एज है और करीब 4 महीने का इसका जो ड्यूरेशन है, अलग अलग कोर्सेज का, किसी का 3.5 है, कुछ 4 है, कुछ 4.25 है, तो ये इसका ड्यूरेशन रहेगा 3.5 से 4 महीने का। राष्ट्रीय युवक परिषद की ओर से सर्किट हाउस में 6 प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। समारोह में CRPF के DIC करीश चावला और SP यादराम फांसल सहित अन्य अधिकारी और गणमान्य लोग शामिल हुए। ये सारा काम पैसे के लिए नहीं कर रहे, 300-400 रुपया लेकर वो उसको पढ़ा रहे हैं, उसी में फैकल्टी अरेंज हो रही है, किताबें अरेंज हो रही है, 1 रुपए पर डे पे लाइब्रेरी चल रही है। जो कोई बच्चा ऐसा आ जाता है कि साहब मैं रहने के लिए जगह नहीं है, उसका भी किसी को हाथ जोड़ते हैं, भैया इसको कहीं रहने की जगह दे दो, किसी के खाने की व्यवस्था करते हैं। तो जैसे कोई संत लोग काम किया करते हैं, ये गृहस्थ में रहकर समाज के माननीय SP साहब यहाँ पहले रह चुके हैं। अगर आप किसी परिवार के एक बच्चे को रोजगार दे देते हो, परिवार के किसी बच्चे को जीवन यापन के लिए सरकारी सेवा में भेज देते हो, इससे बड़ा कोई परोपकार नहीं है। हम त्रिदेव के रूप में उन्हें जानते हैं। एक पौराणिक कथा है कि तीनों बैठे हुए थे और ब्रह्मा जी को तीनों ने मिलकर संयुक्त रूप से ये दायित्व सौंपा कि वो सृष्टि का निर्माण करें। ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया, ये धरती बनाई, जीव जंतु बनाए और जीव जंतु बनाने के पश्चात तीनों फिर से एकत्र हुए, ब्रह्मा भी, विष्णु भी और महेश भी। ब्रह्मा जी ने कहा विष्णु और शिव को कि मैंने सृष्टि का निर्माण कर दिया है। तब विष्णु जी हंसे, मुस्कुराए और बोले कि मैं अभी सृष्टि के निर्माण को पूर्ण नहीं मानता। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा कैसे कह सकते हैं आप, मैंने बहुत ही मेहनत से इस धरती, इस संसार, इस ब्रह्मांड को रचा है और आप कह रहे हैं कि पूर्ण नहीं है। विष्णु ने कहा कि अभी तक आपने संपूर्ण जीवों की उत्पत्ति नहीं की है। ब्रह्मा जी ने पूछा कि आप किस तरह के जीव की उत्पत्ति चाह रहे हैं। समय समय पर जो लीक से हटके अच्छा काम करते हैं और हमारे सर्वे में सबसे बढ़िया रिपोर्ट देते हैं, उनको सम्मानित इसलिए करते हैं कि जो लोग अपने कार्यकाल में बेहतरी नहीं कर पा रहे, जिस किसी चीज़ में समझ लीजिए आप, धार्मिक कार्य में, गौ सेवा में, खेल कूद में,
पढ़ाई में कोई नौकरी में, तो उनके मन में ये आती है कि उनको समाज किया तो हम भी ऐसा काम करें अगली बार हमारा नंबर आए, मेन कार्ड तो हमारा ये होता है। और आज के दिन जो हमने जो सम्मान किया वो ऐसे लोगों का सम्मान किया जिसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ, प्रवीण भाटिया, उस आदमी के लिए बताया मैं कह सकता हूँ एक देवता रूप में, सिर्फ मात्र 250 रुपये की फीस लेके आज तक हज़ारों लोगों को सरकारी नौकरी लगा दिया। दूसरा विश्राम मीणा जो गरण में मुख्य कार्यकारी अधिकारी है, जो पूरे भारत में प्रथम स्थान लेके श्री गरण को लेके आए। तीसरा इंद्र सारिया जिसने इस गौशाला में इतना अच्छा काम किया कि इस वक्त पूरे डिवीजन की सबसे आधुनिक और बढ़िया गौशाला है। एक हमने किया मोहम्मद अनवर का, टाउन थाना प्रभारी, जिसने नौके से ऐसे खोल दिए जो कोई सोच भी नहीं सकता, दो ब्लाइंड मर्डर, चार पांच चोरियां पकड़ी, एक मोबाइल चोर पकड़ा, एक मोटरसाइकिल चोर पकड़ा। उसके बाद हमने किया अनिल कुमार चिंदा का, जिसका रिकॉर्ड तोड़ आज तक पूरे भारत में नहीं कर सकते, जो उसने राजस्व इकट्ठा करा के दिया है, लगभग 22 लाख रुपया अब तक करा चुका है, इतने लोगों का चरण कर चुका है। संयोगवश राष्ट्रीय योग परिषद के जिलाध्यक्ष प्रवीण जैन का जन्मदिन भी था, लिहाजा सदस्यों ने संकल्प भी पारित किया। खुद प्रवीण जैन ने कहा कि प्रत्येक सदस्य रोजाना एक रोटी गाय को खिलाएंगे, इससे गौ के प्रति भक्ति और प्रेम जगाने की कोशिश मूर्त रूप लेगी और ये मेरा 100% सफल होगा। हर गांव का हमारे परिषद का आदमी 75,000 में 50,000 सक्रिय हैं, 50,000 हमारे आदमी पर डे एक रोटी गाय माता को देंगे तो मेरा संकल्प पूरा होगा। यातायात पुलिस ने 5 से 15 जुलाई तक सड़क सुरक्षा जन जागृति अभियान चलाया। इसके तहत अलग अलग जगहों पर जाकर वाहन चालकों को ट्रैफिक नियमों की जानकारी दी गई। लगता है अब यातायात पुलिस सख्ती करने के मूड में है। प्रभारी अनिल कुमार चिंदा ने कहा कि समझाइश के बाद उचित सख्ती भी जरूरी है। यातायात पुलिस की ओर से सर्किट हाउस के सामने नाका लगाया गया। इसके तहत वाहन चालकों को रोककर उन्हें ट्रैफिक नियमों के बारे में बताया गया। खासकर उन चालकों को रोका गया जिनके पास न तो कागजात थे और न ही उन्होंने हेलमेट अथवा सीट बेल्ट का उपयोग किया था। यातायात पुलिस प्रभारी अनिल कुमार के मुताबिक अब सख्ती की जरूरत है। सड़क सुरक्षा जन जागृति अभियान चल रहा है राजस्थान में भी। दिनांक 5/7/2017 से 15/7/2017 तक सड़क सुरक्षा जागृति अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें लोगों को ट्रैफिक नियमों के बारे में बताया जा रहा है और जो ट्रैफिक नियमों की पालन नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। और यहाँ देखा जाता है कि काफ़ी लोग जो है हेलमेट नहीं लगाते, कुछ लोग लगा रहे हैं हेलमेट, बहुत बढ़िया बात है, हेलमेट अपनी सुरक्षा है और वजन नहीं है कोई हेलमेट, और सुरक्षा की दृष्टि से लगाना भी आवश्यक है। जो दुपहिया वाहन का उपयोग कर रहे हैं उनको समझाइश, जो नहीं लगा रहे हैं उनको उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा जो ओवरलोड वाहन चल रहे हैं जैसे थ्री व्हीलर है, उसमें जो RC के रजिस्ट्रेशन के मुताबिक जो सवारी नहीं है, जो अधिक क्षमता से अधिक सवारी है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और लगातार अभियान हमारा जारी रहेगा। सिख पंथ की माने तो सावन की शुरुआत रविवार से हुई है, लिहाजा जंक्शन स्थित गुरुद्वारा गोविंद सिंह जी में कई कार्यक्रम हुए। इसके तहत शबद कीर्तन कर आयोजन किया गया और अटूट लंगर भी बरताया गया।
समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।